अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो अभी जो दोपहर का टाइम हो रहा है और हम लोग सिटी जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से। असल में वो इंपॉर्टेंट काम ये है कि आज जो है मैं और फिरोज अपने रूम की जो है थोड़ी सेटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जो आपको ही पता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं। आप लोग भी कमेंट में जो है मुझे बोलते हैं कि आप जो है अपनी चीज़ें जो संभाल संभाल के नहीं रखती हैं, ऐसी पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी जो है आज जगहें बनाते, लेकिन जो जगह हमारे रूम में जो थोड़ी हो रही थी उनको रखने के लिए, आपको पता है हमारी एक अलमारी है और उसमें जो है हमारे माशाल्लाह से दो बच्चे हैं और उनकी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी होती हैं, तो वो अलमारी जो है पहले ही फुल है, तो हमारे पास जो है जगह थोड़ी कम हो रही थी, इसी वजह से जो कपड़े बाहर बिखरे रहते हैं। तो अभी जो है हम लोग घर पर डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग नेक्स्ट जो लें अपने रूम की सेटिंग करने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो वो बड़ी संदूक लें या अलमारी लें। तो हमने जो डिसाइड कर लिया घर बैठ के कि हमें जो एक और अलमारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये है कि उसमें हम कपड़े भी रख सकते हैं और बिस्तर वगैरह जो भी हो वो भी रख सकते हैं, एक टॉयज भी रख सकते हैं बच्चों के। लेकिन संदूक तो फिर कहते हैं कि कौन खोले और कौन बंद करे वो तो बड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे मेन बात कि आप लोगों की शिकायत खत्म हो जाएगी। हाँ, इससे क्या होगा कि हाँ आपकी शिकायत भी खत्म हो जाएगी, हमारे ब्लॉग में भी हमारा रूम भी थोड़ा जो है सुथरा हो जाएगा। तो खैर अभी हम लोग जा रहे थे शहर, तीन तो हमें घर पे ही बज गए हैं क्योंकि बच्चे मैं साथ नहीं लेके आई हूँ एक भी, और उन्हीं के काम करते करते आपको पता है जब बच्चे घर पे छोड़ो तो उनके काम ख़त्म करके आने पड़ते हैं, तो सारे काम ख़त्म करते करते मुझे तीन बज गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं शहर। और शहर में चल के पहले तो अलमारी देखेंगे, एक दो दुकान भी पसंद करनी पड़ेगी। बाहर तो वैसे जाने का मेरा दिल नहीं था, रात हमारे गाँव में जो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई थी और आंधी भी आई थी, तो खैर ऐसे जो मौसम अच्छे होते हैं तो ये भी अच्छा होता है, कभी कभार बारिश आ जाती है, लेकिन ये कि आज जो है गर्मी होगी कल रात बारिश की वजह से। अभी जो हम अलमारी वाली शॉप में पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो काफ़ी सारी अलमारी हम लोग देख रहे हैं कि पसंद कर रहे हैं हमारे मुताबिक, जो छोटी भी हैं और रूम में फिक्स आ जाए। यहाँ पर जो है वो तीन पल्लों वाली ज़्यादा है, तो खैर हम सोच रहे हैं दो पल्लों वाली लेने के लिए अभी देखते हैं, और ऐसी तो कोई भी ले लेंगे हमें पसंद भी आनी चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर काफ़ी सारी है, देखें मेरे पीछे भी दो पल्लों का डिज़ाइन ये है और इसके आगे यहाँ पे भी बहुत हैं, तो अभी मैं चलती रहूँगी आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। हमें अपने हिसाब में चाहिए या फिर उसमें जो बिस्तर आराम से आ जाए, खुली भी हो अंदर से, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दराज आ गई और तरह का सिस्टम है, जो खुली हो ना। अभी मैं यहाँ पे अलमारियाँ देख रही हूँ और उन्हें खोल के भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी जिसमें अंदर रखने की स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि बड़े बड़े बिस्तरों के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो एक एक खोल के चेक कर रही हूँ कि कौन सी जो है स्पेस वाली ज़्यादा है, तो उसी मुताबिक ही हम लेंगे। और हमें जो है ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है वैसे सारी की सारी बड़ी हैं। ये देखें ये भी जो है तीन पल्लों वाली है, अंदर तो काफ़ी स्पेस है लेकिन ये है कि तीन पल्लों वाली बड़ी है जैसी हमारी पहले के एक घर में मौजूद है, तो इसीलिए जो है ये भी नहीं। अब जो दूसरी देखते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो अलमारी है तो अभी मैं इसे खोलती हूँ और ये देखें इसमें यहाँ पे कपड़ों की जगह थी, और ये जो इसके दो पल्ले थे, दो पल्ले जब मैंने खोले ये अंदर से बहुत इसकी स्पेस थी, लेकिन ये हमें पसंद तो आई थी लेकिन ये महंगी बहुत थी और ये थी भी बहुत बड़ी। हमें चाहिए थी जो बाहर से जो है बाहर से जगह कम घेरे और अंदर से स्पेस ज़्यादा हो, तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पे इतनी ख़ास भी पसंद नहीं आई। और सारी अलमारियाँ खोल रही थी एक एक करके, अभी जो है और भी खोलूँगी, तो आप लोग भी बताना कि कैसी हैं। तो अभी ये अलमारी तो वैसे मुझे काफ़ी पसंद थी, लेकिन बस आपको पता है जगह का हमारा इशू है तो इसीलिए। और यहाँ पे ये दूसरी अलमारी है, ये जब मैंने खोली तो देखें कितनी छोटी छोटी इसकी जगह है, बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत थी और दो पल्ले वाली भी थी, लेकिन अंदर जो इसकी जगहें थी ना वो बहुत ही कम थी, ये बिस्तरों के लायक नहीं थी, बाकी कपड़े वगैरह के लिए ठीक थी। और ये वाली अलमारी देखें, ये मुझे बाहर से भी बहुत प्यारी लगी है और अंदर से भी, ये देखें ये इसकी कपड़ों वाली साइड है जहाँ पे लपेट के रख लें कपड़े, और इसमें जो है वैसे रज़ाइयों की जगह भी है, यहाँ देखें इसमें जो है नॉर्मली जगह है ना, इतनी कम है ना ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे पसंद आई थी। लेकिन जब हमने इसकी प्राइस पूछी है, ये वाली अलमारी भी बहुत ही प्यारी है, देखें ये सबसे महंगी अलमारी है, ये हमें फाइनल भी हमने काम कर लेते हैं, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वो 45,000 मांग रहे थे। अभी ये शॉप जो हमने देख ली है और यहाँ पर जो है कुछ हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि जो हमें पसंद आई है उनकी जो है प्राइस है वो ज़्यादा मांग रहे हैं, और जो प्राइस हमारे मुताबिक है लेकिन उसमें जो है स्टोरेज इतनी नहीं है जिस तरह की हमें चाहिए। हमें चाहिए फुल स्टोरेज वाली, तो वो तो हमें इस शॉप पे नहीं मिली। खैर अब इस शॉप में से हमने कुछ भी नहीं लिया है, तो हम अभी आगे दूसरी दुकान पर चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे कुछ समझ में आई तो फिर हम लोग ज़रूर बाय। अभी हम दूसरी शॉप में आ गए हैं और वैसे तो यहाँ काफ़ी जो है डिज़ाइन है वहाँ से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से चेक कर रही हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी प्यारी प्यारी हैं, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव और बड़ी बड़ी बहुत हैं,
हमारे मतलब की यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें हैं। तो ये देखें अभी एक एक करके चेक कर रही हूँ कि शायद ही कोई पसंद आ जाए, जैसे पहले पसंद आई थी ये, बस कोशिश कर रहे हैं कि पसंद आ जाए। तो खैर अलमारियों का जो भी हुआ वो तो आपको घर जाके बताएंगे हम पसंद आई या नहीं आई। तो अभी जो है हमने, मैंने फिर उसको कहा कि शाम में इफ्तारी के लिए कुछ ले लो, तो वो यहाँ से जो है तरबूज ले रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि मीठा मीठा ढूंढ के लेना, क्योंकि इनको पता होता है ना, जो बेचने वाले होते हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि कौन सा अंदर से मीठा है और कौन सा फीका है। तो खैर अभी ये ले रहे हैं और घर जाके जो फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। तो घर जो फिर उसकी सिस्टर का रोज़ है, घर जाके हमें इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, कुछ यहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं और घर जाके जो भी होगा पकौड़े वगैरह सारे वो भी बनाएंगे। तो अभी जो है हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं और जो हमारा काम था वो तो हो गया है। और खैर घर चलते हैं, दिखा रहे मीठा है, हाँ सही है, देखने में तो अच्छा है, मीठा मीठा लग रहा है, लाल लाल, कहते हैं लाल हो तो अंदर से मीठा होगा। यहाँ आगे देखिए आप रोड पे कितना रश है, रमज़ान का महीना है लेकिन रश तो वहीं का वहीं है, जितनी भी गर्मी हो रश होता है। फ्रूट्स जो है ले लिए हैं और अभी जो है फिर उसने कहा असल में घर जाके क्या हमें पकौड़े समोसे का टाइम मिलने नहीं वाला, तो यहीं से जो इफ्तारी के लिए सामान लेने जा रहे हैं। तो फिरोज़ भी वहाँ पर चले गए हैं, वो फिरोज़ खड़े में आपको नज़र तो आ ही रहे होंगे, असल में रश भी काफ़ी है ना। तो अभी जो पकौड़े समोसे जो भी इफ्तारी का सामान है वो सब कुछ लेंगे और सारा कुछ यहीं से लेके जाएंगे, ताकि जो है घर जाके कुछ बनाना ना पड़े। टाइम देखें 4:30 हो रहे हैं और 4:30 तो हमें यहीं पे हो गए। तो अभी तो आपको पता है रश से निकलना भी काफ़ी टाइम हो जाता है और यहाँ से घर का सफ़र भी 15 मिनट का है, तो 5 बज जाएंगे घर जाते जाते। उसके बाद बच्चों का पता नहीं क्या हाल होगा, रो रहे होंगे, खस रहे होंगे, वैसे रो तो नहीं रहे होंगे लेकिन फिर भी जब मैं जाऊँगी ना तो मुझे काम नहीं करने देंगे, तो मुझे इफ्तारी का सब टाइम से मिलने से रहा, तो इसीलिए फिर रोज़ ने कहा यहीं से ले लेते हैं। बड़ा मुश्किल है शहर में आना, खासकर दोपहर में, शाम में तो फिर भी सुकून हो जाता है। इससे पहले तो मैंने सुहान को लिया और इसके हम लोगों ने कुछ टॉयज़ भी लिए थे, तो अभी जो ये उसी से खेल रहा है और हानिया अपने टॉयज से खेल खेल के थक गई है और वो भी लेट गई है। टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में तो मैं इन्हें सुला दूंगी। ये है कि दोनों की दोनों शॉप पे हमें जो है कुछ खास पसंद नहीं आया, एक अलमारी हमें पसंद आई थी लेकिन जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा प्राइस मांग रहे थे। तो खैर अभी जो है हमने तो पसंद कर ली अपनी तरफ से, तो हमने कहा हम पहले पसंद करके आ जाते हैं, बाद में जो है अब्बू जी को साथ में ले जाएंगे, वो जो है बड़ा होता है ना साथ में तो कम प्राइस में कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना तो फिरोज़ और अब्बू जी दोनों जाएंगे और जो है साथ में जो हमने पसंद किए उसी की प्राइस कम करवा के और ले आएंगे। ये कि छोटों को देख के ना वो डिस्काउंट भी नहीं करते हैं, तो ये कि फिर डिस्काउंट हो जाएगा। खैर हम एक अलमारी पसंद करके रखा आए हैं, तो अभी जब अब्बू जाएंगे तो अब्बू को भी दिखाएंगे, तो ये है कि ना उन्हें ज़्यादा पता लगता है हमसे, फिर वो डिस्काउंट कराएंगे और फिर जब हम ले लेंगे तो आपको तो ये है कि हम दिखाई देंगे। तो अभी जो है हम लोग जब घर आ गए थे तो ये हम काफ़ी तंग कर रहे थे, और अभी जो मैंने हानिया का एक कायदा भी लिया है वहाँ से, हानिया को जो मैंने भी पढ़ाने भी वाली हूँ इस ब्लॉग के बाद। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। हमने जो आज सारा दिन जो बस अलमारियाँ ही देखी, अलमारियाँ अलमारियाँ, और अलमारी की जो जगह है वो हमने उस जगह पे डिसाइड की है, आप लोगों ने बताना है कि ठीक है या नहीं। उसके बाद ये होगा कि हमारा कमरे में जो कपड़े का फैलाव है ना ये कम हो जाएगा, कम नहीं बल्कि ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये है कि ब्लॉग भी फिर आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे, सफाई सुथराई हो जाएगी। तो खैर आप लोगों ने बताना है आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है आज का, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।